तो जैसे कि आप देख रहे हैं पेटीएम मनी में हमने यहाँ पे लॉग इन कर दिया है, कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आपको सामने दिखाई देगा। अब मैं जो आपको यहाँ पे ट्यूटोरियल दिखाने वाला हूँ वो ब्रैकेट ऑर्डर के बारे में है, तो एजुकेशनल वीडियो होने वाला है। तो अगर आपको कोई भी स्टॉक यहाँ पे बाय करना है या फिर सेल करना है इंट्राडे के लिए, तो आप पहले उसमें एनालिसिस कीजिएगा और एनालिसिस के बाद ही उसमें ट्रेड लीजिएगा। अब मैं आपको एक रैंडम स्टॉक दिखा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी रैंडमली बाय करना है। मैं एजुकेशनल पर्पस बना रहा हूँ, इसकी वजह से मैं आपको रैंडम स्टॉक में ये सिर्फ ट्यूटोरियल बता रहा हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं डैशबोर्ड आपको यहाँ पे ओपन करना है, और डैशबोर्ड में आप या तो टॉप गेनर, टॉप लूजर या मोस्ट वैल्यू और मोस्ट वॉल्यूम वाले स्टॉक सर्च कर सकते हो। जैसे आपका स्टॉक सिलेक्शन मेथड होगा उस तरीके से आपको यहाँ पे स्टॉक जो है वो सिलेक्ट करना होता है। वैसे अगर आप एक दिन पहले एनालिसिस करके स्टॉक सिलेक्शन करके रखोगे तो आपके लिए आसान होगा, लेकिन यहाँ पे मैं क्या करूंगा, टॉप गेनर जो है उसमें से एक स्टॉक सिलेक्ट करूंगा और उसके ऊपर आपको बैकेड ऑर्डर लगा के दिखाने वाला। तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे HDFC बैंक ले लेते हैं। अगर आपको एनालिसिस करना है तो सिंपली आपको क्या करना होगा, चार्ट के ऊपर जाना है। चार्ट के ऊपर आसानी से आप जो भी आपका इंडिकेटर है या भी जो भी प्राइस एक्शन का आपका स्ट्रैटर्जी है, उस स्ट्रैटर्जी को यूज कर सकते हो और उसके बेसिस के ऊपर एनालिसिस करके आप स्टॉक में बाइंग कर सकते हो। अभी फिलहाल तो देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टॉक ने आज का हाई बनाया है और यहाँ से स्टॉक थोड़ा नीचे आ रहा है। अब सपोर्ट को देखोगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है, क्योंकि एक हाई बना के फिर से थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ था और यहाँ पे भी एक छोटा सा एक पीक बना के यहाँ तक सपोर्ट ले सकता है। तो मैं आपको रैंडम यहाँ पे बाय करके दिखाने वाला हूँ, तो सिंपली आपको क्या करना है, बाय के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप बाय के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये ऑर्डर वाला, प्लेस ऑर्डर वाला पेज ओपन हो जाता है। एडवांस ऑप्शन में आपको चले जाना है। जैसे आप एडवांस ऑप्शन में जाओगे तो यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस और रिमेंबर चॉइस दिखाई देगा, लेकिन हमें लगानी है ब्रैकेट ऑर्डर, और ये जो ब्रैकेट ऑर्डर होती है वो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड के लिए अवेलेबल है। आप डिलीवरी में ब्रैकेट ऑर्डर नहीं लगा सकते। तो ट्रेड में अगर जाओगे तो आपको यहाँ पे ब्रैकेट ऑर्डर दिखाई देगा, तो इसको आपको सिलेक्ट कर देना है। ब्रैकेट ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि आप तीन ऑर्डर एक साथ लगाते हो। तीन ऑर्डर कौन से, यहाँ पे या तो आप यहाँ पे मार्केट पे बाय कर लो या कस्टम सिलेक्ट करके लिमिट प्राइस सेट कर लो, उसके बाद आप स्टॉप लॉस भी लगाते हो और उसके बाद आप टारगेट भी यहाँ पे लगाते हो। तो एक ही क्लिक में आप तीन ऑर्डर जो है वो यहाँ पे प्लेस कर देते हो। आपका बाइंग का ऑर्डर प्लेस हो जाता है, आपका स्टॉप लॉस का ऑर्डर प्लेस हो जाता है और आपका टारगेट का ऑर्डर भी यहाँ पे प्लेस हो जाता है। अब ये किस तरीके से काम करता है, पहले तो आपका स्टॉक बाय हो जाएगा, जो भी प्राइस आपने यहाँ पे कस्टम प्राइस या फिर लिमिट प्राइस सिलेक्ट की है तो लिमिट प्राइस पे बाय हो जाएगा या फिर मार्केट प्राइस पे बाय हो जाएगा। उसके बाद आप स्टॉप लॉस प्लेस करते हो। अगर आप बाइंग के कंडीशन में हो तो नीचे वाला स्टॉप लॉस आप प्लेस करोगे, अगर आप शॉर्ट सेलिंग कर रहे हो तो ऊपर वाला स्टॉप लॉस आप प्लेस करोगे। अब अगर मार्केट आपकी बाइंग प्राइस से नीचे गिरने लगता है तो सबसे पहले क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो टारगेट वाला जो ऑर्डर आपने लगाया है आपके टारगेट के लिए, वो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। तो एक ऑर्डर अगर एग्जीक्यूट हो गया तो दूसरा यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, ऐसी यहाँ पे सुविधा है। और अगर आपकी बाइंग प्राइस के ऊपर स्टॉक जो है चला गया और आपका टारगेट सबसे पहले हिट हो गया तो स्टॉप लॉस वाला ऑर्डर जो होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो आपको कोई भी यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एनालिसिस प्रॉपर आपको करना होता है और एनालिसिस के बाद आपको क्या करना होता है, यहाँ पे ब्रैकेट ऑर्डर सिलेक्ट करके इंट्राडे में ट्रेड लेना होता है। अब थोड़ा फिर से हम क्या करेंगे, चार्ट के ऊपर जाएंगे क्योंकि यहाँ पे स्टॉक जो है वो नीचे की साइड में आ रहा है। लेना हमको यहाँ पे बाइंग की सिचुएशन ही है क्योंकि अप ट्रेंड स्टॉक में चल रहा है। थोड़ा सा हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑर्डर जो है वो नीचे की साइड में यहाँ पे लगा देंगे। तो यहाँ पे भी बाय कर सकते हो आप, बाय में जाएंगे हम, ट्रेड सिलेक्ट करेंगे, एडवांस ऑप्शन में जाएंगे और ब्रैकेट ऑर्डर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही ब्रैकेट ऑर्डर सिलेक्ट करते हैं हम क्या करेंगे, अभी मार्केट ऑर्डर पे ये स्टॉक जो है वो बाय करने वाले हैं, क्योंकि मुझे पूरा आपको प्रोसेस कंप्लीट करके दिखाना है, इसलिए मैं मार्केट यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने वाला हूँ, क्योंकि मैं बाय कर रहा हूँ तो मैं स्टॉप लॉस जो है वो नीचे की साइड में लगा दूंगा। तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा 1615 पे, 10 रुपए नीचे मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दूंगा, और मेरा टारगेट जो रहेगा 1635, मतलब 10 रुपए ऊपर मैं यहाँ पे टारगेट लगा रहा हूँ। 1625 के 10 रुपए नीचे और 1625 के 10 रुपए ऊपर मैं यहाँ पे टारगेट लगा रहा हूँ। यहाँ पे पॉइंट में लगाना होता है, सॉरी पॉइंट में टारगेट लगाना है दोस्तों, यहाँ पे आपको प्राइस नहीं एंटर करनी है, पॉइंट कितने पॉइंट का आप स्टॉप लॉस लगाते हो वो यहाँ पे आपको लगाना है। जैसे मैंने डायरेक्टली प्राइस यहाँ पे डाली थी तो क्या हो गया था, यहाँ पे
अलाउ नहीं कर रहा था इतने पॉइंट मैक्सिमम। अपर सर्किट और लोअर सर्किट जो है उसके बीच में ही आपको पॉइंट एंटर करने होते हैं। अब जैसे कि आप देख रहे हो स्टॉक बहुत नीचे आ चुका है, तो सपोर्ट के पास हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। 1620 1615 के पास एक सपोर्ट होगा तो वहां पे हम बाय करेंगे। मार्केट पे बाय करूंगा तो 10 रुपए नीचे स्टॉप लॉस, 10 रुपए ऊपर हमारा टारगेट लग गया है। क्वांटिटी मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे कि आप देख रहे हो इंट्राडे में हमें क्या मार्जिन मिलता है, तो एक क्वांटिटी मेरी 380 रुपए में यहाँ पे बाय हो रही है, तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा भी सकता हूँ। तो मैं फिलहाल क्या करूंगा, 5 क्वांटिटी यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, 5 क्वांटिटी मैं बाय करना चाहता हूँ, और 5 क्वांटिटी के लिए मैं पे करूंगा सिर्फ यहाँ पे 1698 रुपए में पे करने वाला हूँ। तो ज्यादा यहाँ पे मैं पे नहीं करूंगा क्योंकि स्टॉक पहले ही थोड़ा सा नीचे आ रहा है, लेकिन अब ट्रेंड है इसकी वजह से हम ट्रेंड के विपरीत जो है यहाँ पे ट्रेड नहीं लेने वाले, सिर्फ बाय का ट्रेड ले रहे हैं। अगर इसके बाद भी हमें लॉस होता है तो हमारा एनालिसिस गलत है, ऐसा हम सोच सकते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या किया, स्टॉप लॉस लगाया, टारगेट लगाया और मार्केट पे हम यहाँ पे बाय कर रहे हैं। तो सिंपली स्वाइप टू बाय आपको कर देना है, जस्ट स्वाइप टू बाय करने के बाद आपको क्या होगा, ऑर्डर सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अब ये ऑर्डर देखने के लिए आप व्यू में जा सकते हो या फिर पीछे ऑर्डर्स में जा सकते हो। अब जैसे कि हम ऑर्डर्स में आ गए हैं, तो सक्सेसफुल ऑर्डर में आप जाओगे तो आपका बाय का जो ऑर्डर है वो इस प्राइस के ऊपर जो है वो सक्सेसफुली प्लेस हो गया, क्योंकि कंप्लीट हो गया है बाय का ब्रैकेट ऑर्डर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया, सक्सेसफुल हो गया। अब आप पेंडिंग ऑर्डर में जब जाओगे तो आपका सेल का जो ऑर्डर है वो यहाँ पे 1607 रुपए का स्टॉप लॉस और 1627 रुपए का क्या है टारगेट का ऑर्डर पेंडिंग है। अब इसमें से जो भी ऑर्डर पहले आएगा, यानी कि जो भी प्राइस पहले आएगा, वो प्राइस के ऊपर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर स्टॉप लॉस पहले हिट हो गया तो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपका स्टॉक आप स्टॉक में से एग्जिट हो जाओगे और ये ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। अगर टारगेट पहले आ गया तो टारगेट का ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपका टारगेट कंप्लीट हो जाएगा और जो आपका स्टॉप लॉस का ऑर्डर है यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो वन कैंसल्स अदर, इस तरीके से ये काम करता है। आपको अगर पोर्टफोलियो देखना है किस तरीके से स्टॉक बिहेव कर रहा है, तो पोजीशंस में आप देख सकते हो 3.75 रुपए, 2.75 रुपए और 1 रुपए प्लस आ गया अभी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो आपका जो ऑर्डर है, यानी कि आपने जो स्टॉक खरीदा है वो यहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हो। अगर आपको एग्जिट करना है तो वैसे तो एग्जिट करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे भी एग्जिट का बटन है, तो एग्जिट पे दबाओगे तो ये आपको बोलेगा कि ब्रैकेट ऑर्डर से एग्जिट कर लो। तो आपको वही जाना होता है ऑर्डर्स में और यही से एग्जिट करना होता है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आपका स्टॉप लॉस मॉडिफाई कर सकते हो। डायरेक्टली आपको एग्जिट करना है तो डायरेक्टली एग्जिट कर सकते हो, दोनों ऑर्डर्स में सेम आपको यहाँ पे मिल जाता है मौका। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं यहाँ से एग्जिट ही करना चाहता हूँ, मैं वेट नहीं करना चाहता हूँ, ये प्राइस तक स्टॉप लॉस आने तक वेट नहीं करना चाहता, मुझे बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली यहाँ से एग्जिट करोगे या फिर आपका ऑर्डर जो है वो मॉडिफाई भी कर सकते हो। तो बेसिकली बहुत आसानी से आप ब्रैकेट ऑर्डर लगा सकते हो पेटीएम मनी के द्वारा। एक ही क्लिक में आप 3 ऑर्डर जो है वो यहाँ पे प्लेस कर सकते हो और आराम से आप बैठ सकते हो। अगर आप प्रॉपर एनालिसिस करते हो तो टारगेट लगा दिया है आपने, स्टॉप लॉस लगा दिया है और आराम से बैठ के आपका जो स्टॉक है वो आप ट्रैक कर रहे हो, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होता है, आपका लॉस जो होता है वो लिमिटेड होता है और आपका टारगेट भी यहाँ पे अच्छी तरीके से लग जाता है। तो आप भी इस ब्रैकेट ऑर्डर का इस्तेमाल करके ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा, आपको बहुत आसानी से ये करने के लिए मिल जाएगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट में जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।